वृंदावन में रमण रीति क्षेत्र में खड़े हुए हैं और ये सामने में देखिए इस्कॉन मंदिर है। ये बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है इस्कॉन वालों ने और ये इस्कॉन मंदिर की ये गली भी है। ये प्राइवेट गली नहीं है, सरकारी गली है और ये नगर निगम के अंदर में ये गली है और इस गली के ऊपर में ये एक बैरियल भी लगा रखा है। पता नहीं क्यों लगाया है इन्होंने ये बैरियल, किसकी परमिशन से लगाया है, नगर निगम से परमिशन ले रखी है या पुलिस विभाग से। और एक ये इन्होंने बोर्ड भी लगा रखा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस विभाग ने इनको ये परमिशन दी है कि आप यहाँ पर बैरियर लगा सकते हैं। और ये एक यहाँ पर चौकीदार भी बैठा हुआ है, दरवाजे पर एक चौकीदार। भैया ये तुम इसकी देख रेख में हो, यानी कोई गाड़ी इसके अंदर नहीं जाए? इस गाड़ी तो जाएगी खाली, जैसे कोई गेस्ट हाउस की गाड़ी वो जाएगी, गेस्ट हाउस वाली, बाकी आम दूसरी गाड़ी नहीं जाएगी अंदर। इनका ये कहना है कि इस रोड के ऊपर में सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन मंदिर वालों की ही गाड़ी जाएगी, बाकी और भी कोई जैसे यहाँ का लोकल आदमी भी है या कोई टूरिस्ट वाला बाहर से दर्शनार्थी आ रहा है वो भी इसके अंदर में प्रवेश नहीं करने देंगे। ये मैं नगर निगम के अधिकारियों से मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपने इसकी परमिशन दे रखी है क्या? और ये अंदर देखिए, थोड़ा सा मैं अंदर आने के लिए बोलूँगा, ये थोड़ा दूर जाएंगे हम, गली के अंदर एक छोटी सी गली है, मुश्किल से ये 14 या 15 फुट की गली होगी और इसके अंदर में इन्होंने एक साइड में गमले भी लगा दिए हैं। इन गमलों से ये रास्ता भी बिल्कुल, और देखो अंदर में रस्सी लगा करके भी इन गमलों को इस तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया है कि कोई छोटा मोटा वाहन भी कोई यहाँ पर खड़ा नहीं हो सके। और हाँ, एक दूर में आप देखिए उधर से भी इन्होंने एक बैरियर लगा रखा है, यानी ये रास्ता बिल्कुल क्लोज्ड कर दिया है इस्कॉन मंदिर वालों ने। यहाँ पर ये चौकीदार ने भी कहा है कि ये मंदिर की तरफ से ये बैरियर लगाया हुआ है और सिर्फ इस्कॉन मंदिर की ही गाड़ियाँ इसके अंदर में जाऊँगी। मैं प्रगति मीडिया से भगवत स्वरूप गौतम।